नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी बागवानी कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल में जुड़ने वाले नए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आपके लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज हम आए हैं कमलेश नर्सरी, और कमलेश नर्सरी में हमारे कुछ भाई बहनों ने पूछा था कि हम गर्मियों में कौन कौन से बीज उगा सकते हैं ताकि हम आराम से अपने घर की ऑर्गेनिक ताज़ी सब्जियां हमें मिल सकें। दिल्ली का जो क्लाइमेट होता है, गर्मियों के में जो सब्जियां उगती हैं उनके बीज आप फरवरी में लगा सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज मैं आपको आप कौन कौन से बीज आप फरवरी में लगा सकते हैं, कौन कौन सी सब्जियों के बीज आप लगा सकते हैं, उसी की आपको जानकारी दूंगी दोस्तों। और ये सभी जो बीज हैं ये हाइब्रिड बीज हैं, और सभी का जो रेट है वो 20-20 रुपए है। आप 20-20 रुपए में इन पैकेट्स को यहाँ से ले सकते हैं और अपने घर में सब्जियाँ उगा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। हैं जो हमारे भाई बहन टेरेस गार्डनिंग करते हैं या जिनके पास ज़मीन है, स्पेस है, तो वो कौन कौन सी सब्जियाँ इस मौसम में गर्मियों में उगा सकते हैं? तो गर्मियों में सब्जियां उगाने के लिए दोस्तों, आपको फरवरी में इनके बीज लगाने होंगे। और जो सभी के जो बीज होते हैं वो कौन कौन सी आप सब्जियों के बीज लगा सकते हैं, अपने आपके पास कितना स्पेस है उसी की अकॉर्डिंग आपको अपने यहाँ पे ये सब्जियां उगानी हैं। हालांकि जितनी भी सब्जियां मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ये सभी अगर आपके पास छोटी सी बालकनी है जिसमें अच्छी सी धूप आती है, या छत है जहाँ पर गमलों में भी आप इन सभी सब्जियों को, आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है लेकिन छत पे थोड़ा भी स्पेस है, तो वहाँ पर भी आराम से आप इन सभी सब्जियों को दोस्तों उगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारी सब्ज़ी है वो है धनिया। तो ये कोरिएंडर इसको बोला जाता है, बहुत ही हाइब्रिड वैरायटी के ये बीज हैं दोस्तों। और इनके जो बीज होते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं कि इनके जो बीज होते हैं वो फंगीसाइड पाउडर में, जो भी आपके पास फंगीसाइड पाउडर होता है उसको आपको एक रात के लिए, लगभग 24 घंटे के लिए इनके जो बीज होते हैं उनको आपको भिगो के, उस फंगीसाइड पाउडर का जो पानी होता है उसमें आपको भिगो के रखना है। और उसके बाद आपको वेल ड्रेन्ड सोयल में, सैंडी सोयल में इनके जो सीड हैं उनको उगाना होता है। तो उसका प्रोसेस दोस्तों अलग होता है, वो हम अगर आप बोलेंगे तो हम आपको बाद में बता देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप कोरिएंडर है हमेशा आपके गार्डन में, ये दोनों सर्दियों में भी आप उगा सकते हैं, गर्मियों में भी आप उगा सकते हैं। और तेज़ गर्मियों में दोस्तों ये थोड़ा सा मुश्किल होता है चलाना, क्योंकि दिल्ली में आपको पता ही है कि मई जून में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो फिर भी लेकिन अप्रैल तक आप इसको आराम से लगा सकते हैं अपने गार्डन में। तो देखिए, कोरिएंडर आप ऐड कर सकते हैं। और एक जो है यहाँ पर देखिए, ये पालक होता है, जो पालक है लीफी जो प्लांट होते हैं, वो पालक जो होता है बहुत ज़्यादा आराम से उगने वाला, सबसे सब्जियों में आराम से उगने वाला ये जो होता है पालक सब्जी होती है। और इसको दोस्तों, इसको भी आपको वेल ड्रेन्ड सोयल में, सैंडी सोयल में आपको लगाना है, उसी वैसे ही प्रोसेस के साथ आपको लगाना है। तो ये भी आराम से आपके गार्डन में छोटे से छोटे पोट में भी दोस्तों ये आराम से उग जाता है। तो ये पालक आप लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये लौकी है, गोल घिया जिसको बोलते हैं। तो ये अगर आपके पास थोड़ा सा 10-12 इंची पोट है जिसमें आप इसको लगा सकते हैं, इस बेल को, और आराम से इनको थोड़ा सा रस्सी बांध के आप स्पेस दे दीजिए, तो ये आराम से लौकी बहुत आराम से चलने वाला है, बहुत आराम से लौकी चल जाता है छोटे से गमले में भी। और अगर मैं कहूँ तो अगर आपके पास गमला भी नहीं है तो आप छोटे से जो आपके बोरे आते हैं उनमें भी आप खाद और मिट्टी डाल के इनको बहुत आराम से आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो आप लौकी लगा सकते हैं, अभी लौकी बहुत ज़्यादा आराम से चलने वाला है। ये देखिए, ये टिंडा है, टिंडा भी सेम प्रोसेस होता है, ये भी एक बेल होती है जिसको आपको रस्सी वगैरह बांध के, या आपके पास जाली वगैरह होती हैं, कोई लकड़ी का सहारा दे के आप इनको आराम से चढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत आराम से टिंडा भी आपके गार्डन में लग सकता है। और देखिए, ये लंबे वाला जो लौकी है वो है, ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, इसको भी आप आराम से लगा सकते हैं, ये भी गमले में बहुत आराम से चल जाता है। और देखिए, लोबिया की बड़ी वाली जो लंबी वाली जो जो होती हैं फलियां होती हैं वो हैं ये लोबिया की फलियां। तो ये दोस्तों बहुत गर्मी में और बरसात वगैरह में काफ़ी लंबे टाइम तक ये फलियां चलती हैं।
तो ये भी आप आराम से लगा सकते हैं 12 इंची पॉट में, या इससे थोड़ा बड़ा भी आप लगा दें तो। लेकिन आराम, इनको आपको चढ़ने की जगह देनी पड़ेगी क्योंकि ये वाइन है, तो अगर आपकी छत पे धूप आती है तो आप इसको वहाँ पर लगा सकते हैं। और देखिए ये सबसे जो पसंद किया जाता है, मैं भी अपने गार्डन में लगाती हूँ, ये देखिए ककड़ी है। ककड़ी अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ककड़ी और खीरा तो आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए तो दोस्तों, क्योंकि बच्चों को तोड़ के खाना बहुत ही अच्छा लगता है, और वैसे भी काफ़ी अच्छी लगती हैं अपने घर में उगी हुई सब्जियां तो सभी पसंद करते हैं। तो दोस्तों आप ये ककड़ी और ये खीरा दोनों आप ये अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनको भी आप गर्मियों में आराम से फरवरी में, अभी दोस्तों ये सभी बीज आपको लगाने हैं। और ये देखिए ये मस्कमेलन है, खरबूजा जिसको बोला जाता है, ये भी आप अभी लगा सकते हैं। और इसी की तरह से ये देखिए तरबूज और खरबूजा दोनों का लगभग सेम ही प्रोसेस है। ये जो होती हैं इसके, इनको तो ज़मीन पर फैलने के लिए अच्छी स्पेस चाहिए होता है, तो ये भी अगर आपके पास अच्छा स्पेस है ज़मीन का तो आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये ज़मीन में बहुत अच्छी होते हैं ये सब चीज़ें, तो ये आप ज़मीन में लगा सकते हैं गर्मियों में। और मिर्ची दोस्तों, ये देखिए मिर्ची है, तो मिर्ची तो हमेशा ही चलने वाला जो है ये प्लांट है, तो मिर्ची को का जो प्लांट होता है दोस्तों, उसकी तो आप कटिंग करते जाइए, अच्छी सी खाद ऐड करते जाइए और हमेशा वो फ्रूटिंग आपको देता रहता है। तो सालों कई बार 2-2 साल भी ये प्लांट चल जाता है अगर आप इसकी अच्छी सी केयर करते हैं। मेरे पास 2 साल पुराना प्लांट है जिसमें अभी भी मिर्ची लग रही हैं, तो ये काफ़ी लंबे टाइम चलता है और अच्छा लगता है अपने घर की ऑर्गेनिक सब्जियाँ दोस्तों। और ये देखिए ये तोरई है, तोरई भी गर्मियों की एक सब्ज़ी होती है जो आप फरवरी में लगा सकते हैं, और गर्मी और बरसात में आपके घर में आराम से घर की सब्ज़ी हो जाती है तोरई। गर्मियों में ग्रीन वेजिटेबल होती हैं, ये काफ़ी हेल्दी होती हैं, तो ये भी दोस्तों आप फरवरी में अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और ये देखिए बैंगन तो सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आसानी से उगने वाला है। और ये देखिए ये गोल बैंगन है, भरते वाला जिसको बोलते हैं, और ये लंबे वाला बैंगन है, लॉन्ग बैंगन है। और ब्रीज दोस्तों हाइब्रिड वैरायटी के हैं, बहुत अच्छे बीज हैं। मैंने खुद इनको पिछले साल मिर्ची का प्लांट उगाया था यहाँ से, तो काफ़ी अच्छा हो गया था। और खीरे का भी मैंने उगाया था तो वो भी काफ़ी अच्छा हुआ। तो ये देखिए ये बैंगन के प्लांट है, बैंगन का प्लांट भी काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। जब आपके एक बार ख़त्म हो जाते हैं बैंगन लग के, तो आप उनको कटिंग कर दीजिए, खाद वगैरह डाल दीजिए, फिर से उसमें नई फ्लावरिंग होती है और आराम से नई फ्रूटिंग उसमें शुरू हो जाती है। तो ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए ये फरवरी में जो गर्मियों में सब्ज़ी लगाई जाती है, अभी फरवरी में आप लगा सकते हैं और गर्मियों में ये आपको सब्ज़ी देगा, ये है करेला दोस्तों। तो जो भाई बहन करेला लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी हेल्दी हैं और काफ़ी अच्छे सीड हैं इनके। तो ये भी बेल टाइप की है दोस्तों, इसको भी छोटे पॉट में भी आप इसको 10-12 इंची पॉट में लगा सकते हैं, तो आराम से इसकी जो बेल होती है वो बहुत आराम से चलती है। और ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, तो इसको आप बहुत ज़्यादा केयर ये नहीं मांगता, और आराम से करेले बहुत कम मेहनत में आपके घर में करेले उग सकते हैं। और टमाटर है दोस्तों, तो टमाटर भी ये गर्मियों में लगने वाला टमाटर है, ये भी आप अगर लगाना चाहते हैं तो ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है और बस थोड़ी सी केयर ज़्यादा मांगता है, क्योंकि गर्मी दिल्ली में जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो ऐसे में थोड़ा सा जो टमाटर के प्लांट होते हैं उनमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत हमें करनी पड़ती है। लेकिन जो भाई बहन लगाना चाहते हैं वो फरवरी में इनको बीजों को लगा सकते हैं, ताकि आपके घर में पूरी गर्मी में और बरसात में सब्जियां आपको, घर की सब्जियां, ऑर्गेनिक सब्जियां आपको मिलती रहें। तो दोस्तों आई होप कि मैंने जो आपको सब्जियां दिखाई हैं, सब्जियों के जो बीज मैंने आपको दिखाए हैं, सभी आप फरवरी में दोस्तों अभी दिल्ली के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फरवरी में लगा सकते हैं, और गर्मियों में आप इनकी, बरसात में आप इनकी सब्जियाँ आपको तैयार मिल जाएंगी और आप इनकी सब्जियों को यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों आई होप कि मेरी जो वीडियो है, मेरी जो जानकारी है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी, मेरी जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।